चले चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दो तीन दिन जो है ना आपका हम फिर से क्लास नहीं अपलोड कर पा रहे थे, वजह से थोड़ा सा तबीयत जो है ना खराब हो गया था, ठीक है ना। बाकी बात जो है इंटर का जो है ना आपका जो गुड़िया दीदी थी वो क्लास ले रही थी, बट क्लास हम ही आप लोग का नहीं ले रहे थे, ठीक है ना। बट आज से जो है ना आपका क्लास शुरू हो गया है, तो इससे पहले जो है ना हम जो है इससे पहले पार्ट थ्री तक जो है ना प्रकाश का परावर्तन का जो है ना डाल दिए थे, ठीक है ना। और उन सभी वीडियो का लिंक जो है ना आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हमारा होगा पार्ट फोर होगा, तो चलिए बिना समय गवाए और बहुत जल्दी क्लास आपका खत्म करने वाले हैं चैप्टर पार्ट आपका, ठीक है। चलिए हम लोग पहुंच गए थे यहाँ तक। अब हम लोग है क्वेश्चन पे है कि किसी गोले दर्पण से परावर्तित किरणें, कहने मतलब हुआ कि अब जानेंगे कि गोले दर्पण से, गोले दर्पण आपका दो तरह का होता है, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल होता है, उत्तल और अवतल होता है, ठीक है ना। अब उन उत्तल और अवतल से किरणें पड़ने के बाद किस प्रकार परावर्तित होती है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला क्रम है किसी गोले दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक या आभासी रूप से, आभासी मतलब काल्पनिक होता है, ठीक है, फोकस से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, यदि किसी गोले दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो परावर्तन के बाद वह चाहे वास्तविक रूप से हो या काल्पनिक रूप से हो, वह हमेशा फोकस से गुजरेगा। देखिए ध्यान से, ये रहा हमारा अवतल दर्पण है, चलिए यह अवतल दर्पण है। और देखिए जो आपको बताने भी जा रहे हैं ना, यह आपका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यह जब आप इमेज पढ़ेंगे, जब आप प्रतिबिंब पढ़ेंगे ना, वहां पे यह बहुत काम आएगा, ठीक है। तो थोड़ा समझ के पढ़िएगा, और बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, कोई भारी नहीं है। ये हमारा फोकस हो गया या वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। तो यदि कोई किरणें दर्पण के मतलब मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है, यानी कि इस तरह से आएगी, देखिए ध्यान से, है ना, इसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद यानी वहां से लौटेगी, कैसे लौटेगी, यदि वह मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद वह फिक्स है कि वह फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा। यह हमारा अवतल दर्पण है तो वास्तविक रूप से गुजरा। अब उत्तल की बात कर लेते हैं, चलिए ये रहा हमारा उत्तल दर्पण है। ध्यान रखिएगा, यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है, ठीक है। दर्पण का नाम एम और एन दे देते हैं, इसको कहते हैं पोल। यह हमारा फोकस होता है, यह हमारा वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। तो किरणें आएगी यहां से, परावर्तन के बाद वह इधर से लौटेगी, ठीक है ना। लेकिन जब इसको काल्पनिक रूप से पीछे किया जाए तो देखिए थोड़ा ध्यान से, वो फिक्स है कि कहां से गुजरेगा भाई, फोकस से गुजरेगा, किसे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यदि कोई किरणें दर्पण के मुख अक्ष के समांतर दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है, चाहे तो वास्तविक रूप से हो या काल्पनिक रूप से हो, कहां से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरेगी। क्लियर है यहां तक, चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर कि फोकस से गुजरने वाली किरणें, ठीक है, फोकस से गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समांतर गुजरती है, क्या है, फोकस से गुजरने वाली किरणें, यानी फोकस से, देखिए थोड़ा ध्यान से, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, नाम ते एम या एन, चलिए ठीक है। यह हमारा हो जाएगा दर्पण का पोल हो गया, यह फोकस हो गया, यह वक्रता केंद्र हो गया। यदि कोई किरणें, जी हमें क्या लिखा हुआ है, फोकस से गुजरने वाली किरण, यदि मान लिया जाए किरण फोकस से आएगा, कहां से जी, फोकस से ऐसे आ रहा है, फोकस से आती है तो परावर्तन के बाद वह मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है, ऐसे निकल जाती है, कहां पे, जब वह फोकस से आएगा दर्पण पर तो दर्पण से परावर्तन के बाद लौटने के बाद वह मुख अक्ष के समांतर निकल जाता है, ठीक है, चाहे वास्तविक रूप से हो या फिर काल्पनिक रूप से हो। आइए इसमें भी देख लेते हैं,
चलिए एम एन ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण हो गया। तो किरणें आपका कहां से आएगा? फोकस से आएगा, है ना। चलिए फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। जब वह देखे ध्यान से यहां से आएगा चलिए फोकस है ऐसे तो आपका देखिए यहां से आएगा तो वो तो अंदर तो जाएगा नहीं लेकिन हाँ काल्पनिक रूप से जो है ना वो फोकस से आएगा। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है उससे कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। तो परावर्तन के बाद वह क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाता है। क्या देखेगा? यदि वो फोकस से आएगा तो फोकस से परावर्तन के बाद मतलब फोकस से जब आएगा तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष जो होता है ना बच्चों मुख्य अक्ष इसके क्या होता है? समांतर लौट जाता है। तो समझ में आ गया होगा यदि कोई किरण फोकस से दर्पण पर पड़ती है यानी फोकस से होते हुए दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है यानी कि लौट जाती है। क्लियर है? चलिए अगला चलिए। अगला है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण उसी दिशा में लौट जाती है। चलिए यहां पे समझिए चलिए ये हमारा हो गया दर्पण अवतल दर्पण हो गया फोकस हो गया वक्रता केंद्र हो जाएगा। देखिए ध्यान से यदि कोई किरणें वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पे पड़ती है अर्थात ये हमारा वक्रता केंद्र होगा ना जी यहां से भी वह किरणें आएगी दर्पण पर है ना। यदि वह वक्रता केंद्र से दर्पण पर पड़ेगी तो परावर्तन के बाद जो है ना वह सी से ही लौट जाता है यानी कि उसी माध्यम में उसी रास्ते से लौट जाएगा। यदि वह सी से आएगा यानी वक्रता केंद्र से होगा आएगा तो परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र से होते हुए ही क्या होती है? परावर्तित हो जाती है यानी कि लौट जाती है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है ध्रुव पर आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर समान कोण बनाते हुए परावर्तित होती है। कहने का मतलब हुआ चलिए बच्चों बगल में हमारा जो ना रामनवमी पूजा हो रहा है ना रामनवमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ध्रुव पर आपतित किरणें ये रहा देखिए ये ध्रुव हो गया फोकस हो गया वक्रता केंद्र हो गया। यदि वह ध्रुव पर आएगा बच्चों यदि वह किरणें ध्रुव पर आएगा तो समान कोण बनाते हुए वह परावर्तित हो जाती है अर्थात ई वाला कोण और ई वाला कोण आपस में बराबर होता है। इसको बोलेंगे आई इसको बोलेंगे आर अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ यदि यहाँ पे बनेगा 30 डिग्री तो फिक्स है यहाँ पर भी बनेगा 30 डिग्री ही बनेगा। अगर यहाँ बनेगा 60 डिग्री तो यहाँ पर भी कितना बनेगा? 60 डिग्री ही बनेगा। क्लियर है? सेम आपका जो है ना उत्तर में भी ले लीजिए ऐसे आपको तो समझ में आ गया आप लोगों को उत्तर में भी ऐसे ही होगा सेम। यदि ध्रुव पर किरणें आएगी तो समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी भाई समान कोण आई बराबर क्या हो जाएगा लड़ लो आपका आर हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं फोकस हो गया यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया। क्लियर है? चलिए एक बार जो है ना इसको आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। ठीक है चलिए तो बाद में देख लेंगे भाई इसमें मैं क्या ना एक बार क्या करते हैं जो चार किरण हमारा हुआ कितना किरण हुआ? चार किरण हुआ इन चारों किरणों को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है क्योंकि देखिए इन चारों किरणों का प्रयोग जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे ना तो वहां पर जो है ना बिल्कुल आएगा और इसके बिना बनेगा ही नहीं प्रतिबिंब हमारा। इसलिए थोड़ा हम क्या करते हैं चारों किरणों को एक बार आपको समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्लियर है सबका? चलिए ठीक है ये हमारा दर्पण हुआ अवतल दर्पण हुआ लाडलो मेरा यह अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है भाई? मेरा अवतल दर्पण है। चलिए M और N यह हमारा अवतल दर्पण का नाम हो गया। ठीक है
इसे कहते हैं प्रधान अक्ष, इसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव, इसे कहते हैं दर्पण का फोकस बिंदु, इसे कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, पार्ट थ्री की टू में जो है ना आपका इस सभी बारे में परिभाषा बता देते हैं क्या होता है। ठीक है ना, चलिए तो यह हमारा हो गया प्रधान अक्ष। तो पहला किरण क्या था हमारा, यदि कोई किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए यह ना मुख्य अक्ष इसको कहते हैं, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। यह हमारा पहला लाइन था, ये समझाए थे। दूसरा क्या था, यदि वह फोकस से आएगा किरणें, यदि हमारा फोकस से आएगा, दूसरा क्या था, यदि फोकस से आएगा तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, यह दूसरा हमारा किरण था। तीसरा क्या था, यदि वह सी से आएगा यानी कि वक्रता केंद्र से आएगा, लाडनो यदि यदि वह वक्रता केंद्र से आएगा तो परावर्तन के बाद वह वक्रता केंद्र से होते हुए ही गुजर जाती है, यानी सी से आएगा तो परावर्तन के बाद वह सी से ही लौट जाता है। ठीक है, और चौथा क्या था, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यदि वह ध्रुव पर आएगा तो वह समान कोण बनाते हुए परावर्तित तो हो जाएगा, यह हमारा था चौथा किरण। इन चारों किरणों का प्रयोग जब हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक बार समझ जाइए, यदि प्रकाश किरणें, ठीक है ना, यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरेगा। दूसरा क्या था, यदि वह फोकस से आएगा तो परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगा। तीसरा किरण क्या था, यदि वह सी के रास्ते से आएगा यानी सी से आएगा तो वह सी से ही लौट जाएगा। चौथा क्या था, यदि वह ध्रुव पर आएगा तो समान कोण बनाकर वह क्या हो जाती है, परावर्तित तो हो जाती है किरणें। तो चारों किरण आप लोगों को समझ में आ गया हो मुझे उम्मीद है। तो चलिए आते हैं हम लोग प्रतिबिंब पढ़ेंगे, किसमें, तो अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरणारे खींचे। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु कहाँ पे रखा जाए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि वस्तु अनंत और सी के मध्य स्थित हो, सी मतलब हो गया वक्रता केंद्र, यदि वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए देखते हैं, कौन दर्पण है भैया हमारा, अवतल दर्पण है। तो चलिए ए रहा हमारा अवतल दर्पण, चलिए इधर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। याद रखिएगा अवतल दर्पण को हम लोग अभी साड़ी दर्पण भी कहते लाडलो। ठीक है, चलिए M और N, ये हमारा हो गया दर्पण, यह हो गया प्रधान अक्ष, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब समझे ध्यान से तरह, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, इसके बाद का जो दूरी है इसको अनंत कहते हैं, क्या कहते हैं, अनंत कहते हैं। सवाल है, यदि वस्तु अनंत और सी के मध्य हो, अर्थात वस्तु इस सी और इसके बीच हो, अर्थात यहाँ पे धर दिया जाए। ठीक है, चलिए वस्तु यहाँ पे धरती है, चलिए ओ और ए ऑब्जेक्ट यानी मेरा कोई वस्तु है। यदि कोई वस्तु अनंत, इसको अनंत कहते हैं, ठीक है ना, अनंत और सी के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो यहां से प्रकाश किरणें आएगी। ठीक है ना, अब थोड़ा समझिए ध्यान से, आपको बताया तभी जस्ट, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है, तो इस वस्तु से किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन के बाद वह कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ठीक है ना, जो आपको चार किरण पढ़ाए थे ना, वही चार किरण में से पहला का प्रयोग हुआ। और उसके बाद दूसरा क्या था, कि सी से आएगा तो सी से गुजर जाएगा, अथवा आप जो है ना ऐसे भी कर सकते हैं, एफ से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजार सकते हैं, अथवा आप जो ना ध्रुव पर लाएंगे तो समान कोण बनाकर वह लौट जाएगा। तो अब कोई भी किरण लीजिए आपका प्रतिबिंब वही बच्ची बनेगा, वहीं पे बनेगा। ठीक है ना, तो हम सी ला लेते हैं, यदि वह जो है ना सी से आता है तो वह सी से ही लौट जाता है। चलिए जहां पर करता है हमारा होता है प्रतिबिंब, चलिए ध्यान से आई और बी, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब जानते हैं हम लोग प्रतिबिंब का स्थान, लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब कहां बनता है। ठीक है ना, प्रतिबिंब कहां बनता है, थोड़ा ध्यान से देखिए, जब हम वस्तु को अनंत और सी के मध्य रखे थे तो प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच में बना है, क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब सी एवं एफ के बीच बनता है, मैंने बन रहा है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है बच्चों कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक है, सीधा है कि उल्टा है, बड़ा है कि छोटा है, उसको प्रकृति हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, एक प्रतिबिंब जो है हमारा ठीक वास्तु के अपोजिट उल्टा बन रहा है, सीधा है ना, तो ठीक इसका उल्टा बना है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक, वास्तविक एवं ह्रासित बनता है। ह्रासित का अर्थ होता है छोटा, ह्रासित का मतलब होता है छोटा। दिखे तरह ध्यान से, प्रतिबिंब क्या बना है जी, उल्टा, दिखे ना, वस्तु का ठीक उल्टा बना है। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे काल्पनिक बनता है, लेकिन दर्पण के आगे सब जितना बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, दर्पण के आगे बन रहा है ना, तो आगे तो हमारा वास्तविक हो जाएगा। अब ऐसे भी जान सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, अर्थात जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है और ह्रासित है। ह्रासित का होता है छोटा, वस्तु से छोटा है। थोड़ा ध्यान देखिए, इस वस्तु को देखिए और इस प्रतिबिंब को देखिए, वस्तु का अपेक्षा हमारा वस्तु क्या है, छोटा है, वही क्या लिखे हैं, ह्रासित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या था हमारा क्वेश्चन, यदि वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, कहां पर, सी और एफ के बीच स्थित हो, तो चलिए ये हमारा हो जाएगा दर्पण, हो गया अवतल दर्पण, एम एन हमारा दर्पण हो गया, राइट। इसको ध्रुव कहते हैं, इसको हम लोग फोकस कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यदि वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो, कहां पर, सी और एफ के बीच हो, अर्थात सी हो गया, ई एफ हो गया, इसके बीच में वस्तु को रखा जाए, ले भैया रख दिया मैंने वस्तु ओ और ए ऑब्जेक्ट हो गया ना, ए वस्तु हो गया। अब यहां से प्रकाश किरणें अमुक अक्ष के समांतर गुजरेगी, हाँ अब आ गया, पता है जब कोई किरणें अमुक अक्ष के समांतर गुजरती है, परावर्तन के बाद वह कहां से गुजरता है भैया, वो हमारा फोकस से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या था, सी से आएगा, तो सी से आने कोई चांस नहीं है, लेकिन हाँ अगला हमारे पास है, यदि वह एफ से आएगा ना, एफ से आएगा तो वह जो ना अमुक अक्ष के समांतर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, अमुक अक्ष के समांतर निकल जाएगा। अब देखिये यहां पे काटा है, यहां पे ठीक है, आई और बी, यानी कि इमेज हमारा हो गया। अब ध्यान से देखिए, जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखे हैं, प्रतिबिंब कहां पे बना है, सी और इसके पीछे अनंत होता है, सी और अनंत के बीच बना है, और वस्तु का अपेक्षा देखिए बहुत बड़ा बना है, वस्तु इतना तक है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है। चलिए लिखना है प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, प्रतिबिंब अनंत एवं सी के बीच बनता है। प्रतिबिंब कहां बनता है, देखिए प्रतिबिंब आपका ना अनंत और सी के बीच में बनता है। अब लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है वास्तविक है या काल्पनिक है, सीधा है या उल्टा है, बड़ा है या छोटा है। तो देखिए पहले प्रतिबिंब जो है ना, हमारा जो प्रतिबिंब है वस्तु का अपेक्षा उल्टा बना है, और उल्टा दर्पण के जो आगे बनता है वो वास्तविक होता है और वस्तु से बड़ा है। क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बच्चों, प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित, आवर्धित का अर्थ होता है बड़ा होता है, आवर्धित बनता है। आवर्धित का मतलब क्या होता है बच्चों, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ाए,
एक बार इसको तो अच्छा तरह से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। हम कोशिश करते हैं कि आपको आराम से बताएं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रति हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है। यहाँ सबका एक ऑब्जेक्टिव ही बन जाएगा, उल्टा। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। यदि वस्तु सी पर स्थित हो, कहां पर, यदि वस्तु सी पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। चलिए फोकस हो गया, सी हो गया। यदि वस्तु कहां पर हो, सी पर हो। चलिए देखिए जरा ध्यान से, वस्तु को सी पे धर दिए, ओ और ए कोई हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु हो गया, इसको धरते कहां पे, सी पे। यहां से किरणें आएगी, परावर्तन के बाद वह गुजरेगा, भैया हमारा फोकस है, थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, थोड़ा टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्या होता है हमारा, यदि वह एफ से आएगा तो परावर्तन के बाद वह एफ से ही गुजरेगा, कहां से, एफ से ही, सॉरी एफ से आएगा तो मुख अक्ष के समांतर गुजरेगा। अब थोड़ा देखिए जरा ध्यान से, ए देखिए आई और बी, कुछ समझ में आया। जब हम वस्तु को, प्यारे बच्चों, वस्तु को सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा सी पर ही बनेगा, जितना जितनी बड़ी वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। अर्थात जब वस्तु को सी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, और वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। चलिए प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान लिखना है तो क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी पर ही, सी पर ही बनता है। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब होता है वास्तविक आकार, सीधा या उल्टा, बड़ा या छोटा, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि दर्पण का आ गया तो वास्तविक होगा ना, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बनता है, है ना। चलिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, जो प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु के बराबर बनेगा। तो बोलेंगे क्या सर, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, कहां पर, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि वस्तु अनंत पर स्थित हो, प्यारे बच्चों कहां पर, अनंत पर, यदि वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। आप लोगों को पता होगा कि वस्तु अनंत पर होगा तो फोकस पर बनेगा, यदि फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को आप जो है ना लगा लीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एम एन, दर्पण का हो गया पोल, हो गया या फोकस, या हो गया सी, ठीक है। वस्तु अनंत पर है, यानी कि कहां पर, हमें पता तो है नहीं कि अनंत पर है, पता तो है नहीं कहां पे, मतलब अनंत का मतलब कहीं पे हो सकता है। चलिए यहां से आएगा, पता है वो कहां गुजरेगा, यहां से गुजरता है, पता है ऐसा इसलिए गुजरते हैं बच्चों, और यहां से आता है तो वह जो है इसके समांतर गुजरता है। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर बनता है प्रतिबिंब। यदि वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब आपका हमेशा फोकस पर बनता है, इसलिए इस रेखा से दूर से लेना पड़ता है। प्रतिबिंब का स्थान, यानी प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब देखिए आनंद से आ रहा है ना, आपका फोकस पर बनेगा, फोकस यानी कि एफ पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब जो है ना
वास्तविक उल्टा एवं वास्तु से बहुत छोटा बनता है। दिक्कत रहा ध्यान से, प्रतिबिंब जो है यदि वास्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब आपका फोकस पर बनेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, प्रकृति में प्रतिबिंब दर्पण के आगे बन रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत छोटा है। वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। देखिए प्रतिबिंब का वस्तु कहाँ पे, बहुत अनंत पे है, पता नहीं कितना बड़ा वस्तु होगा, लेकिन प्रतिबिंब में मात्र इतना ही बना है, अर्थात वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बनता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नेक्स्ट है। यदि वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ का अर्थ होता है फोकस, यदि वस्तु फोकस पर स्थित हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये हमारा है अवतल दर्पण, ठीक है। मेरे बच्चों थोड़ा इसको जो है ना आप एक बार जो है ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तभी आपको जो है ना थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा, एक बार में क्लियर नहीं होगा इतना जान लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस फिगर का। चलिए वस्तु कहां पर है, फोकस पर। चलिए यहाँ पे धरते हैं वस्तु, चलिए हम एफ को इधर ले देते हैं, ये मेरा वस्तु हो गया, ओ ए वस्तु, यहाँ से किरण दर्पण पर आएगा परावर्तन के बाद वह तो फोकस पे आएगा। चलिए फोकस हो गया, वस्तु फोकस पर रखा जाए, ठीक है। परावर्तन के बाद वह कहां गुजरता, फोकस से गुजरता ही है। अगला आपका यहां से आएगा तो समान कोण बनाते हुए गुजरेगा, यानी कि यहां तो जाकर कटेगा लेकिन बहुत दूर में कटेगा, कहां कटेगा पता नहीं। प्रतिबिंब का स्थान तो लिखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है ना। कहां में जाकर कटेगा, कहां कटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कटेगा जरूर, लेकिन अनंत में कटेगा। इसलिए यदि वस्तु हमारा फोकस पर हो तो प्रतिबिंब जो है ना आपका अनंत पर बनेगा, यदि वस्तु अनंत पर हो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ठीक उसका अपोजिट। चलिए प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब तो हमारा वास्तविक हो जाएगा भाई, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से, और प्रतिबिंब तो बहुत बड़ा बन जाएगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। चलिए अच्छा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, वीडियो को रोक के जो है ना उसको देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तु F और P के बीच स्थित हो, F और P यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, के बीच की बड़ी एफ है, इसके बीच चले रख देते हैं, ओ और ए कोई वस्तु ऑब्जेक्ट है, यहां स्क्रीन में आएगी तो परावर्तन के बाद वह कहां गुजरेगा, फोकस, ए और एफ फोकस, ठीक है। अगला क्या है, ध्रुव पर आएगा तो समान कोण बना के वह लौटेगा, इधर तो जगह फैलते हुए चल जाएगा, उधर कटने का कोई चांस नहीं है, इसे उसको पीछे ले जाएंगे हम लोग, तो ई तो इसको बढ़ाएंगे तो चलो। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए आगे इधर बढ़ाएंगे नहीं, इधर तक उधर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, नहीं पूरा फैल जाएगा, फिर तो कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा कहां, नहीं बनेगा, इसे इसको ऊपर ले जाएगी, जब ऊपर ले गया तो यहां पे कट गया। तो ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु का एफ और पी के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है,
एक आपका अवतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रतिबिंब का पहले स्थान लिख देते हैं, प्रतिबिंब का स्थान लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है भैया, है ना, दर्पण के पीछे बनता है। अब लिखे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब काल्पनिक पहले बनता है, देखिए ना दर्पण के पीछे काल्पनिक बनेगा, प्रतिबिंब काल्पनिक, समझ में आ ना, दर्पण के पीछे काल्पनिक होता है, काल्पनिक सीधा, देखिए वस्तु की तुलना सीधा है, देखिए ना वस्तु ऊपर में है तो आपका प्रतिबिंब ऊपर बना है, नीचे नहीं बना है, वास्तविक है मतलब सीधा है, सीधा एवं, और काल्पनिक तो हो गया एवं वास्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो अगर समझ में एकदम आराम से देखिएगा, ठीक है ना। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का बनता है, बोलेंगे सर जी हमारा अवतल दर्पण है। यदि क्वेश्चन पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पे रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा, तो बस एक ही स्थान हमारा है, वो हमारा एफ है और पी है, एफ और पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बन जाएगा हमारा, काल्पनिक बन जाएगा। चलिए तो अवतल दर्पण का जितना प्रतिबिंब था छह को खत्म हो गया, अब आते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण एक वो ही होता है, सिंपल है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का किरणार उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण तो बिल्कुल एगो है, नॉर्मल सा है, एम एम ठीक है। चलिए वस्तु यहां रखा जाए, ये इधर से प्रवृत्ति हो जाएगी, लेकिन पता सबको वो फोकस से गुजरता है, दूसरा क्या होता है जी बस आएगा तो वह जो ना सी से आएगा तो वह जो है ना सी से ही लौटेगा, लेकिन हाँ याद रखिएगा इधर पे होता है जब क्या होता है इधर काल्पनिक होता है जी, काल्पनिक होता है ना, क्या होता है इधर काल्पनिक होता है, तो यहाँ पे कट गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्रतिबिंब हो जाएगा बी आई, क्या बोलेंगे प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान, तो क्या बोलेंगे प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनता है दर्पण के पीछे बन रहा है, और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति समझ आ रहा है ना, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तविक या काल्पनिक, तो क्या बोलेंगे प्रतिबिंब जो है भाई प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा एवं ह्रासित बनता है, ह्रासित का मतलब होता है वस्तु से छोटा बनता है। चलिए देखिए ध्यान से, अब आपका अवतल दर्पण भी कंप्लीट हो गया और उत्तल दर्पण का किरण आरेख भी आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, तो इससे आगे हम लोग चलेंगे अगले पार्ट में, पार्ट फाइव में, और विश्वास रखिए कि अब लगभग मेरा तबियत ठीक ठाक है और ठीक हो भी गए हैं और इतना नॉर्मल है तो चल जाएगा, और आपका बहुत जल्द ही जो है ना क्लास मतलब बहुत जल्द ही आपका जो है ना मतलब फिर से क्लास पूरा खत्म होने वाला है, ठीक है ना, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन में कम से कम दो वीडियो फिक्स कर डालें, इससे क्या होगा कि आपका जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।